i3 बेस्ट पीसी बिल्ड कॉन्सेप्ट वाले वीडियो पे मैंने ये चीज कहा था कि आपको PCI Express 16X का स्लॉट मिलेगा कि नहीं, फिर भी मेरे पास ये सवाल आया है। चलिए हम लोग फिर से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये H310 है, यहाँ पे 16X का स्लॉट मिल रहा है। तो आपके पास सवाल होगा, यहाँ पे 16X तो मिल रहा है, क्या ये 3.0 है? हाँ ये 3.0 है। तो कैसे है? ऐसे है कि जो हमारा i3 i5 i7 प्रोसेसर है वहां से 3.0 का 16x का PCI लेंस निकल रहा है। दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, जो चिपसेट है वहां पे है 8, तो कैसे ये 16 आया? 16 ऐसे आया कि CPU पे ऐसे है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के पास टोटल अवेलेबल PCI एक्सप्रेस होता है 16 प्लस वो 8 मतलब 24। तो दोस्तों अभी मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर आपको कितना PCI एक्सप्रेस स्लॉट प्रोवाइड करेगा और कैसा PCI एक्सप्रेस स्लॉट प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 16X का जो PCI 3.0 होता है वो ये वाला है, ठीक है। तो और देखिए 1X का 2 है, तो ये जो 1X का 2 है वो होगा 2.0, क्योंकि 24 में से 16 तो है 3.0 और 24 में से 16 यहाँ पे कंज्यूम होने के बाद हमारे पास जो 8 PCI एक्सप्रेस लेन बच जाता है वो 2.0 का है। यहाँ पे जो 1X का स्लॉट है वहाँ पे 2.0 ही PCI एक्सप्रेस होना चाहिए। तो दोस्तों इसका एक वेरिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो है ये वेदांत कंप्यूटर पे अवेलेबल है, बहुत ही कम दाम पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसका फीचर सेक्शन पे जाते हैं तो आपको ये एक डायलॉग देखने को मिल जाएगा जहाँ पे ये लिखा है जो 16X का स्लॉट है वो PCI Express 3.0 है और जो 1X का 2 स्लॉट है वो है 2.0। तो दोस्तों यहाँ पे आप बेझिझक अपना ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, GTX 1050 Ti, 1060, 1070, 1080 Ti, 1080 सब कुछ लगा सकते हैं। तो दोस्तों सेम चीज के बारे में मैं डिस्कस किया था i3 बेस्ड पीसी बिल्ड कॉन्सेप्ट पे। तो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ था कि इन्फॉर्मेशन बहुत डीप था, कोई उतना देर कंटिन्यू नहीं कर रहा है या फिर मैं वहाँ पे समझा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ऐसा सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और दोस्तों i3 बेस्ड पीसी बिल्ड कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है वो वीडियो देखने के बाद आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद से सारा का सारा कॉम्पोनेंट सेलेक्ट कर पाएंगे और उसके साथ साथ कुछ जरूरी वीडियोज जैसे कि कैसे आप पावर सप्लाई सेलेक्ट कर पाएंगे, कितना पावर सप्लाई आपको लेना चाहिए, 80 प्लस सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में वगैरह वगैरह चीज मैं वहाँ पे उस वीडियो के ऊपर आई बटन पे छोड़ दिया है और इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे भी मैं छोड़ दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन के बिना मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं यार, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।